चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर फिर से लैंड कर गया है, कहां? चांद पर ही। असल में लैंड नहीं किया है, फुदक गया है, लेकिन इसरो और चांद पर आदमी के भेजने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसरो से आई हालिया जानकारी के मुताबिक विक्रम लैंडर ने अपने मिशन के उद्देश्यों को पार कर लिया है। यह एक सफल होप एक्सपेरिमेंट है। सभी प्रणालियां बराबर हैं, स्वस्थ हैं। प्रयोग के बाद तैनात रैंप मुड़े और सफलतापूर्वक फिर से लग गए। यह किक स्टार्ट भविष्य के मानव मिशनों का रास्ता प्रशस्त करेगा। होप एक्सपेरिमेंट क्या है? इससे पहले इसरो ने कभी भी होप एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकारी नहीं दी थी, इसलिए कहा जा रहा है कि विक्रम लैंडर ने अपने उद्देश्यों से ज्यादा पा लिया है। हुआ कैसे? लैंडर को एक कमांड भेजा गया। कमांड पर इंजन चालू हुआ। लैंडर ने खुद को सतह से लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया और 30-40 सेंटीमीटर की दूरी पर सुरक्षित रूप से फिर उतर गया। इसे होप एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इससे क्या होगा? अगर कमांड पर लैंडर हरकत कर सकता है तो चांद की सतह को कायदे से टोहा जा सकता है, चांद की सतह को नेविगेट किया जा सकता है, यहाँ तक कि यान को वापस बुलाने का रास्ता भी इसी छोटी छलांग से खुलता है। अंतरिक्ष यान से नमूना वापस लाने या मानव लैंडिंग मिशन के लिए होप एक्सपेरिमेंट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों का यही मानना है कि अगला कदम सैंपल रिटर्न मिशन ही होगा, जिसमें चांद की सतह से एक नमूने को यहां लाया जाएगा और यहां उसकी परख होगी। अगर चंद्रयान 2 सफल होता तो चंद्रयान 3 एक सैंपल रिटर्न मिशन ही होने वाला था। चीन का स्पेस प्रोग्राम भी इसी तर्ज पर आगे बढ़ा था। चीन ने 2007 में एक ऑर्बिटर भेजा और फिर उसके बाद एक लैंडर और अंततः 2020 में सैंपल रिटर्न मिशन भेजा।